दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में नए अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर मई 2020 में लॉन्च होने वाले हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन से आप एक बार इनको देख लीजिए अगर आप नया स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो। दोस्तों, इसमें काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन से इन सभी स्मार्टफोन में जो भी मैं आपको यहाँ पर लिस्ट बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरा देखिए, ताकि दोस्तों यहाँ पर आपका कोई स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल मिल जाए तो आप जल्दी से उसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप उसे डेट, यहाँ पर जो रिलीज डेट है उस दिन यहाँ पर आप इसे परचेस कर लीजिए दोस्तों, जहाँ पर सेल लगेगी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्मार्टफोन है यहाँ पर, वो निकल के आता है यहाँ पर मी 10 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मी 10 जो कि यहाँ पर काफ़ी फ्लैगशिप फोन स्मार्टफोन हो सकता है यहाँ पर, वो ये 35,000 से 45,000 की रेंज में आ सकता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ में आएगा, और ये दोस्तों कम्पीट करेगा किसे, OnePlus 8 को। तो दोस्तों देख सकते हो, ये काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, OnePlus 8 को कम्पीट करने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप OnePlus 8 लेने का सोच रहे थे तो रुक जाइए, इसका कंपटीशन आने वाला है। तो इसमें दोनों में से कंपीट करके देख लीजिए कौन सा कंपैरिजन करने में कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, जो सेकंड स्मार्टफोन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पर रियलमी की तरफ से, जो कि यहाँ पर X3 सीरीज़ है रियलमी की। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी कमाल की सीरीज़ होने वाली है, और यहाँ पर दोस्तों ये मई के एंड तक आ सकती है, फिर मिडिल ऑफ मई में भी आ सकती है। तो दोस्तों, इसका भी वेट कर लीजिए, ये भी काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आने वाला है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या कमाल करता है। तो रियलमी की बात कर लीजिए दोस्तों, तो इसके पापा को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो है यहाँ पर ओप्पो का यहाँ पर नया स्मार्टफोन भी आने वाला है, जो कि यहाँ पर कन्फर्म है दोस्तों, ओप्पो का Find X2 Pro, जो कि एक यहाँ पर 5G स्मार्टफोन है। ये दोस्तों ओप्पो का 5G स्मार्टफोन आएगा ये, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये इसकी प्राइस जो मिलेगी वो दोस्तों ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर देखने के लिए, जो मिलेगी यहाँ पर आपको 50,000 से 60,000 के रेंज के बीच में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसमें जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन, ये काफ़ी मतलब फ्लैगशिप किलर होने वाला है ये फ़ोन भी। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे तीन फोन, नए फ़ोन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है यहाँ पर पोको का न्यू स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, पोको का नया फ़ोन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम कंफर्म नहीं है कि पोको F2 होगा, X2 होगा, कौन सा होगा, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पोको आएगा, मीडियाटेक के साथ में आएगा, ये कंफर्म है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों, पोको की भी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रेडमी की। रेडमी में यहाँ पर दोस्तों रेडमी की नया फ़ोन आने वाला है, जो है यहाँ पर रेडमी का Note 9, जो कि 10 से 15 हज़ार की रेंज में आने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर रेडमी Note 9 क्या कमाल करता है यहाँ पर आने के बाद। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर होनर का यहाँ पर नया फ़ोन आने वाला है, जो कि यहाँ पर होनर का 9X Pro। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में आने वाला है, जो है यहाँ पर किरीन का 810, जो कि यहाँ पर दोस्तों इसकी प्राइस की रेंज होने वाली है, वो होने वाली है 15 से 20 हज़ार के इस आसपास। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर होनर भी क्या कमाल करता है इसके साथ में। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़, LG का नया स्मार्टफोन आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, LG का नया स्मार्टफोन, मतलब LG काफ़ी कमाल करने वाला है। LG का स्मार्टफोन देख के तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। LG का जो फ़ोन है, कि डिज़ाइन है ना दोस्तों, बैक कट में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फोटो एड किया हुआ है, ये काफ़ी कमाल का कटआउट होने वाला है दोस्तों, मतलब फोन भी काफी कमाल का होने वाला है दोस्तों। एक बार देखते हैं यहाँ पर इस पे स्पेसिफिकेशन से दोस्तों, ये पूरी तरह से लीक नहीं हुए हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको कंफर्म न्यूज़ देता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे को स्पेसिफिकेशन नहीं पता, तो नहीं पता। तो दोस्तों, ये तो हो गया LG का स्मार्टफोन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सैमसंग की। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का यहाँ पर नया स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि यहाँ पर सैमसंग Galaxy A31 है। जी हाँ दोस्तों, इसके कन्फर्म स्पेसिफिकेशन है मेरे पास में, जो कि यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले आने वाली है, इसमें 48 मेगापिक्सल का कोड कैमरे का सेटअप आने वाला है, 5,000 की बैटरी आने वाली है, और यहाँ पर हीलियो का P60 प्रोसेसर आने वाला है। और दोस्तों, प्राइस इसकी कंफर्म नहीं है, तो प्राइस मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये तो हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों, एक और कंफर्म स्मार्टफोन है, जो कि दोस्तों यहाँ पर कन्फर्मली आने वाला है, मोटरोला का एज और एज प्लस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो स्मार्टफोन है, मोटरोला का एज के साथ में आएगा आपको स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर, और यहाँ पर एज प्लस के साथ में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 865G वाला 865 वाला प्रोसेसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन में यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर इन दोनों फ़ोन्स में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको मोटरोला की बात हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ पर आईकू को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आईकू का नया फ़ोन आने वाला है, जो कि यहाँ पर 5G फोन्स हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये, और यहाँ पर इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा कोलकॉम स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर। तो दोस्तों, ये तो काफ़ी कमाल की लिस्ट हो चुकी है दोस्तों, काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, एक और फ़ोन को ऐड कर देता हूँ, आखिरी का फ़ोन बचा हुआ है यहाँ पर, जो ये इन्फिनिक्स का Hot 9 और Hot 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर प्रोसेसर कन्फर्म नहीं है कि इसमें कौन सा आएगा, लेकिन इन्फिनिक्स है तो दोस्तों वैसे भी चलता है, जब भी तो यहाँ पर
पर कंपनी नए नए फ़ोन लॉन्च करती है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 9 प्रो हो गया, नोट 9 नहीं यार, नोट 9 तो रेडमी में आता है और यहाँ पर तो दोस्तों इसमें नहीं आ सकता। और वीवो का भी है दोस्तों V90, तो ये काफ़ी समय से टीज हो रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, तो देखते दोस्तों इस मई के महीने में आने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। तो देखते दोस्तों, इसलिए मैंने इन दोनों फ़ोन्स को एंड में रखा है, काफ़ी कमाल के फ़ोन नहीं बताए जा रहे, तो मैंने जो टॉप के फ़ोन्स हैं उन्होंने फर्स्ट में बता दिया है आपको। तो दोस्तों इन फोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको किस फ़ोन का इंतजार है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर मैंने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ पर अगर किसी फ़ोन का वेट कर रहे हैं नए फ़ोन लेने का, तो यहाँ पर इस फ़ोन की लिस्ट में एक बार देख लेंगे उनके कमाल उनके हिसाब से जो उनका फेवरेट फ़ोन है वो इस लिस्ट में है या नहीं है। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।